बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक सा चाट की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अफ्तार में। तो चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आलू को बॉयल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 5 से 6 आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के। इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो देखिए, यहाँ पर जब तक हमारे आलू बॉयल होते हैं तब तक हम पापड़ी बना लेंगे। पापड़ी बनाने के लिए 1 कप हमें चाहिए मैदा। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। 1.5 कप इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अब हम इसकी डो बना लेंगे। अच्छे से हाथों की मदद से इसे घून लेंगे और साथ साथ थोड़ा सा नीम गर्म पानी भी ऐड करते जाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमारी डो अच्छे से बन चुकी है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख लेंगे और उसके बाद हम बेल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे अच्छी तरीके से बेल लेंगे। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना कि हमें पतला बेलना है। और यहाँ पर देखिए, मेरे पास गोल शेप का कटर है। अब इसकी मदद से अब हम कटिंग कर लेंगे, इसे शेप दे देंगे। देखिए, यहाँ पर हमने सारे कट कर लिए हैं जो आसपास के, ये इन्हें हम हटा लेंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे, उसमें ऑयल ऐड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम सारी पापड़ियाँ इसमें ऐड करते जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर लाइट सा ब्राउन कलर हो चुका है। अब हम इसका साइड चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हमारी पापड़ियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास बॉयल चने हैं, इसमें हम ऐड करेंगे 1। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास बॉयल चने हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप प्याज, 1.5 कप चॉप किए हुए टमाटर, थोड़ा सा सब्ज धनिया, चॉप की हुई ग्रीन चिली, थोड़ा सा चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, नमक हसबे ज़रूरत। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, जो हमने पापड़ी बनाई थी अब हम वो इसमें ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे आलू भी बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसे भी मैश कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, थोड़ा सा सब्ज धनिया, चॉप की हुई ग्रीन चिली ऐड करके अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास आलू को मैंने गोल शेप में करके रख दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास गोल शेप में एक बाउल है छोटा सा। इसकी मदद से ना हम सेंटर में थोड़ा सा ज़ोर से प्रेस कर लेंगे और इसे बाउल की तरह एक शेप दे देंगे। जो हमारा चना चाट था वो इसमें फिल कर लेंगे। साइड में पापड़ी रख लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनती है। आई होप सो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।